जो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, हमारा है। जिंदा पार्टी, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, मातरम। जिंदा पार्टी, जिंदाबाद। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, मातरम, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद। हमने जो सेलिब्रेशन की है, ये आर्टिकल 370 और 35A के एबोग्रेशन की खुशी में यहाँ किया गया है। इससे हमें बहुत और हमारे कश्मीर को बहुत फ़ायदा मिला है, पूरे देश को फ़ायदा हुआ है। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि ये 370 और आर्टिकल 370 और 35A का हटना एक देश के लिए और कश्मीर के लिए बहुत अच्छा डिसीजन था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। और ये पार्टी ज़्यादा अच्छे तरह से हमारी जो हाई कमान है, आला कमान है, वो ही बता सकते हैं कि आगे वो डिसीजन क्या लेंगे और वो जो और दूसरी पार्टी से उनके मिलकर क्या डिसीजन होगा वो उनके हाथ में है। जो पार्टी कहेगी वो ठीक। कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छा डिसीजन था 370 के हटने के बाद में? ये तो कहना बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं होगा कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट के काम BDC की तो पंचायत जो उठी उसको एम्पावरमेंट मिला है BDC के थ्रू भी, और हमारे पंच सरपंच लेवल पे भी, जो कि इस टाइम पर नरेगा में भी और 14FC में भी हमारे बहुत काम चल रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। BDC फंड भी आ चुका है और अब बहुत तेज़ी से काम उठेंगे और आने वाले टाइम में कश्मीर बहुत कुछ चेंज होगा, जिसमें कि हमारे जो यूथ है, हम मानते हैं कि जो उनको पिछले कई सालों से जिनकी हत्याएँ की जा रही थी, स्टोन पेल्टिंग में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा था, वो सब रुक गया है। और ये एक बहुत बड़ा कश्मीर के लिए एक नया डिसीजन था और जहाँ किलिंग जो चल रही थी वो रोकी गई है। तो ये BJP का, हमारी गवर्नमेंट का, सबका सपोर्ट और हमारे कश्मीरी भाइयों का भी सपोर्ट रहा है इसमें, ऐसा नहीं है, और उसी वजह से हम लोग इसमें सक्सेस हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये सेलिब्रेशन जायज़ है? अभी पॉलिटिकल लीडर्स बाकी उनको बंद रखकर आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए जो पार्टी के लोग हैं, जो हमारे आगे हाई कमान है, वो डिसीजन लेगी कि क्या होगा। जो हो रहा है वो मेरे को लगता है सही होगा और आगे भी आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा।